नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। मजहबी फरेब के मामले में फिर कानपुर सुर्खियों में है। यहां धीरे धीरे प्यार का जाल बुना गया, आपसी रजामंदी से लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे, लेकिन उसके बाद जब हकीकत सामने आई तो प्यार के नाम पर गंदा खेल शुरू हो गया। जब सचिन नाम के एक शख्स के हर राज से धीरे धीरे पर्दा हटने लगा तो जबरन धन परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा। मस्जिद जाने के सवाल पर युवती की पिटाई होने लगी, उसे बुरखा और मांस खाने की नसीहत मिलने लगी। दर्द की इंतहा रोज बढ़ती चली गई और उसे एक दिन मौलवी को खुश करने का फरमान सुना दिया गया। मंसूबों में नाकाम होने पर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें जब पार हो गई तो वो अपने माँ बाप के पास पहुंची। अब युवती के साथ पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। नाम बदल कर प्रेम जाल में फंसाया। स्टार्टिंग में तो हम लोग, उसने अपना नाम सचिन शर्मा बताया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी में मुझे डाउट हुआ और एक दिन मैंने उसको मस्जिद में जाते हुए देखा। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल। जब उससे पूछा कि तुम मस्जिद में क्यों जा रहे हो, तो लड़के ने मुझे मारा पीटा और मेरा वीडियो वीडियो बना लिया। वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करता था उस वीडियो को लेकर कि मतलब मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। धर्मांतरण के लिए बनाया दबाव। और ये हमेशा मतलब मुझ पर दबाव बनाता था कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना, मोहम्मदन बन के रहना, और मैं भी एक मोहम्मदन। ब्रेन वॉश कर पहनाया नकाब। इसके माँ बाप और इसके फैमिली वाले फिर से मतलब दबाव डाल देते कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें मोहम्मदन बन के रहना पड़ेगा, नॉनवेज खाना पड़ेगा और नकाब वगैरह पहनना पड़ेगा। मौलवी से शारीरिक संबंध का दबाव। एक दिन वो मस्जिद के मौलवी को लेकर आया कि मौलवी को मैं खुश करना है इसके साथ। मंसूबों में नाकाम तो चाकू से हमला। इसके भाई ने मुझे पकड़ के और इसने मुझे चार पांच चाकू मारे। जैसे ही इसने चाकू मारने स्टार्ट करी, इसका भाई तो भाग गया वहां से, और लेकिन ये मुझे पकड़े था। पीड़ित के वकील का क्या कहना है वो भी सुनिए। पुलिस, यूपी पुलिस तो इसमें शुरू से ही लापरवाही बरत रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस को सिर्फ एक छोटा सा मुकदमा लगा के अभियुक्त को बहुत जल्दी रिहा करवाने की पड़ी थी। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के इस नए मामले में सरकार और पुलिस कठोर कदम उठाएगी, और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सखिंचों के पीछे भेजा जाएगा। तो विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट होता नहीं नजर आ रहा। अपराध के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करे और उस अपराधी को कानून के सम्मुख प्रस्तुत करे। सरकार को गंभीर एक्शन लेना चाहिए और कानपुर पुलिस प्रशासन को भी गंभीर एक्शन लेते हुए इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने का काम करना चाहिए। हालांकि पुलिस ने किसी भी हालिया मामले में अब तक लव जिहाद की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अमित सिंह, न्यूज स्टेट, कानपुर। ऐसे फरेब रुकेंगे क्यों? क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश से, देश से। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, काजी वली उल्लाह जी धर्मगुरु हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद बंसल जी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैफ खान साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। काजी वली उल्लाह जी, आपने पीड़ित को सुना, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा कब तक, ये फरेब कब तक? जिम्मेदारी कुछ हुकूमत की होती है जी, और कुछ हुकूमत के मानने वालों की होती है जी। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि वो हर एक के साथ इंसाफ का बर्ताव करे और हर एक के ऊपर निगाह भी रखे। हमारी पब्लिक की जिम्मेदारी ये होती है कि हुकूमत के हर हुक्मों को अपना हुक्म समझ करके मान लिया जाए और उसको पूरा किया जाए।
ये जिम्मेदारी जब दोनों एक साथ होती है तो मुल्क बहुत तरक्की करता है, और जब मुल्क से इंसाफ उठ जाएगा, छोड़ दीजिए, हमारे बड़ों की नीयतों में खराबी आ जाएगी, के व्यक्तिगत जिंदगी में जाग सकता है, क्या हुकूमत किसी के मंसूबों को भाप सकता है, जो केस लगातार सामने आ रहे हैं, खासकर कानपुर की बात कर रहे हैं हम। कानून हुकूमत के पास है, जहां भी कहीं कानून की जरूरत होगी वो उसको पूरी तरह अपने लोगों के जरिए नाफिज करेगा। आप गोल गोल घुमा रहे हैं काजी, इंसाफ बहरहाल इंसाफ है जी, आप गोल हर कोई मान लेगा। नाम बदल लिया जाता है और उस नाम की वजह से धन का पता नहीं चलता है, धीरे धीरे चीज़ें खुलकर सामने आती है। मनीष शुक्ला जी, क्योंकि जवाब आपसे ही आखिर मिलेंगे, पहले सैफ खान साहब के पास चलते हैं। सैफ खान साहब, सवाल इस बात को लेकर है, आखिर ऐसा क्यों धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है? अगर प्रेम है तो कीजिए ना शादी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कीजिए। लेकिन यहां शादी के बाद धर्म परिवर्तन कीजिए आप, उसके बाद एक एक चीज खुलकर सामने आती है। नाम क्या रखा जाता है वो सब बेहतर तरीके से जानते हैं, किस तरीके से बरगलाया जाता है सब बेहतर तरीके से जानते हैं, और ऐसे में कई केसेस उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आए, जब वो लड़की नहीं करती तो मार के फेंक दिया जाता है, मार के दफना दिया जाता है। सही कह रहे हैं आप जो है राहुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत, और हम ये लगातार जो है देख ही रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे लगातार जो है हम ये बढ़ती हुई घटनाएं देख रहे हैं और लव जहाद के केसेस देख रहे हैं। 5 तो सिर्फ कानपुर में ही निकले हैं, उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं पर उत्पीड़न का जो एक 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 जैसे चलन शुरू हो गया हो, 24% क्राइम जो है महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है, 27% क्राइम जो है वो दलित महिलाओं के खिलाफ जो है वो। सर यहाँ बात जिसकी हो रही है उस पर बात कीजिए सैफ खान साहब, बिल्कुल सैफ खान साहब, जिस मुद्दे को लेकर बैठे आप उसी पर रहिए। बिल्कुल, मैं उसी के ऊपर ही आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसे केसेस क्यों रजिस्टर हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, जब वादे किए गए थे सरकार की तरफ से कि लव जहाद जैसे लोगों की जो है उस पर शिकंजा कसा जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, 5-5 किस्से जो है 5-5 केसेस तो रजिस्टर सिर्फ कानपुर में हो रहे हैं। सरकार लगातार जो है वो फेलियर सामने आ रहा है सरकार का, हमारा तो कहना यही है, शिकायतें तो आती हैं लव जहाद की तरफ से जो है कितने लोगों पे हुकूमत का भी साथ देना जरूरी होता है, सरकार से पूछने की जरूरत है, आवश्यकता है, फलाह पाता चला जाता है। काजी वलीउल्लाह जी, आप भी धन गुरु हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज आपका कैसा रहे, किस तरह के तरह से रहे, समरसता रहे, भाईचारा रहे, लेकिन यहाँ तो होता नहीं है, हर चीज हुकूमत पर, हर चीज सरकार पर चली जाती है। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए, छोड़िए अभी, काजी वलीउल्लाह जी जरा शांत रहिए, मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए, विनोद बंसल जी के पास चलना है, हर एक बात पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर। देखिए राहुल जी, लव जिहाद कानपुर उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, ना ही आज का मामला है। लव जिहाद के बारे में केरल की विधानसभा में कहा कि लव जिहाद हो रहा है, केरल की हाईकोर्ट ने 2008-09 में माना कि लव जिहाद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें नहीं तो लव जिहाद करने वालों के साथ खड़ी रही, तुष्टिकरण के नाते से, तमाम वोट बैंक के नाते से पीड़ित बेटी के साथ नहीं खड़ी होती रही के नाते से ये उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फैलता गया। आज ये कानपुर में निकल रहा है, हमको खूब याद है कि मेरठ से, बुलंदशहर से, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों से इस तरह की बातों पे हम लोग पहले भी डिबेट में बैठे हैं जी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जो पीड़ित बेटियों के साथ खड़ी हो रही है, लव जिहाद करने वाले या धोखे से शादी करने वाले या शादी करके दर परिवर्तन कराने वाले, बीच खिलाने वाले, उनके साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ सरकार है, उनको जेल भेज रही है जी, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। हमको लव जिहाद के ऊपर विस्तृत जानकारी के लिए एक SIT का गठन किया गया है जी, एक कमेटी बनाई गई है, और निश्चित रूप से राहुल जी मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों की खैर नहीं है। ठीक है सैफ खान, सैफ खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष शुक्ला जी जरा सुन लेते हैं, फिर विनोद बंसल जी की बातों को सुनते हैं। देखिए बड़ा आश्चर्य होता है मुझे जब इनके भारतीय जनता पार्टी के वक्ता आके जो है जब
कहा जाता है, प्रॉमिस तो दिखाए गए थे, बहुत कुछ बोला गया था अलेक्जेंडर को जो है, बहुत कुछ एग्जाम्पल जो है सामने दिए गए थे। रुक जाइए मैं आपसे, क्यों क्या क्या परिवर्तन कर दिया आपके राज्य में जो है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे नहीं, परिवर्तन कर लिया क्या बस आप, मेरा नाम सैफ खान ही है और मुझे आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आते हैं आप दोनों मेहमानों के पास आते हैं। विनोद बंसल जी, आखिर ऐसे मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद कर क्या रहा है? आते हैं सैफ खान साहब आते हैं, रुकिए, एक मेहमान हमारे साथ बैठे हुए काफी देर से, जरा उन्हें भी सुन लेते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ऐसे केसेस को लेकर। विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है ऐसे केस को लेकर, ऐसे मामलों को लेकर? सवाल सनातन की अस्मिता को लेकर भी है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लव जिहाद न सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है बल्कि समाज और देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इससे दुर्भाग्य यह है कि इस देश, इस अभिशाप से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड आक्रांतित है, आक्रोशित है। आप देखिए, जो लव जिहाद की घटना है, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर बढ़ी है, नो डाउट, और ये बड़े संवेदनशील मामला है जिस पर के सरकार तत्काल कार्रवाई भी कर रही है, ये भी देखने में आया है। और ये भी देखने में आया है कि सर्वाधिक अगर केसेस अगर एनएसए के अगर कहीं अट्रैक्ट किए हैं जी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। और लेकिन दुर्भाग्य यह है, इससे इस लव्यात की विभीषिका से न लद्दाख वंचित रहा, न जम्मू कश्मीर वंचित रहा, न नॉर्थ ईस्ट वंचित रहा, न श्रीलंका वंचित रहा, न यूएस और यूके वंचित रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदू लड़कियां ही क्यों? हाँ, मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, हिंदू लड़कियों को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि इन्होंने अपना इस जिहाद का एक मोमेंटम शुरू करना है जी, इन्होंने दारुल इस्लाम बनाना है जी। दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो गैर इस्लामिक लड़कियां हैं उनको येन केन प्रकारण फंसा करके उनको अपने जाल में फंसाना, उनको धर्मांतरण करना, उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना, उसके बाद उनको आतंकवाद की राह में और अपने इस्लामिक जिहाद की राह में फूंक देना। अगर उस लड़की को ये पता हो शादी से पहले कि ये मुसलमान लड़का है तो वो किसी भी कीमत पर शादी नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरा प्यार पांच बीवियों में बटे जी। वो नहीं चाहती कि मेरे साथ 25-25 बच्चे पैदा करने की मुझे मशीन बनाया जाए, मुझे अत्याचार में फंसाया जाए जी। कोई भी महिला देश की ये नहीं चाहती कि उनको उनके उनको बुरके के अंदर ढाल करके और उनको एक कैदी के रूप में जीवन व्यतीत करने को मजबूर किया जाए। हो रही है ना लड़कियां, कोई भी महिला नहीं हो रही है लड़कियां, जो अधिकार उसको, विरोध बंसल जी, हो रही है लड़कियां और लगातार हो रही है, रुक नहीं रहा है। वली उल्लाह जी, आप हुकूमत की बात करते हैं लेकिन समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति आप भी हैं, धर्मगुरु हैं, अपने धर्म के लोगों को क्यों नहीं समझा रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, गलत रास्ते पर जा रहे हैं आप लोग, बस टीवी डिबेट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। जहां तक बिगाड़ के सुधार का स्रोत था वहां पर हुकूमत के अफराद ने या हमारे यहाँ के लोगों की लालच ने इस स्रोत को ख़त्म कर दिया। नतीजा जो हो गया कि पहले स्कूलों से, कॉलेजों से, मठों से दीनदारी निकलती थी और खौफ होता था, उस वक्त में लोग अपने आप को बचाते थे, लेकिन अब ये इतनी आज़ादी हो गई है कि वो कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा है। नतीजे के तौर के ऊपर बिगाड़ के रास्ते पर चले जाते हैं, कोई किसी को सुनता तक नहीं है, माँ बाप बेचारे चिल्लाते रह जाते हैं लेकिन लड़का आज़ादी के साथ निकल जाता है। इसके बिगाड़ के लिए ज़रूरत है कि स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, मस्जिदों में भी, मठों में भी ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए यहाँ पे इंसानों के अंदर। अगर कल को कार्रवाई होती है तो चिल्लाइए नहीं, आप लोग चिल्लाइएगा नहीं कि ये हिंदू ये मुस्लिम किया जा रहा है। मनीष शुक्ला जी, अगर ऐसी कार्रवाई होती तो खड़े हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इससे पहले हमारे इससे पहले देखिए, ये दुर्भाग्य है, ऐसी बात नहीं है, उसको चलाने के अंदाज अलग होते हैं। इससे पहले हमारे भारत के अंदर, वलीउल्लाह जी जरा शांत रहिए, वलीउल्लाह जी जरा शांत रहिए। देखिए, पूर्व की सरकारों ने ऐसे तत्वों को संरक्षित किया, उनको पढ़ने का अवसर दिया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई है, अब वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों को सही
नहीं है, ऐसी कोई घटना पता चल रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित जा रही है। पहले सरकार में बैठे लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे जो आज की भाषा है। जी मौका चाहूंगा, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इन्वॉल्व है या जो लोग इस तरह के प्रोसेस को कर रहे हैं अभी भी सावधान हो जाए योगी आदित्यनाथ की सरकार में, नहीं तो कठोर दंड के लिए तैयार रहे। बोलिए साहब खान साहब। देखिए मुझे बड़ा फिर आश्चर्य होता है, पता इनके बैठ के कुछ और बोलते हैं और होता कुछ और है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कंप्लेंट लिखी हुई थी जिसमें बताया गया था कि सेक्स 4000 से ज्यादा के केसेस जो है, और सुनिए सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के साथ है, मेरी बात सुनिए, ये क्रिश्चियंस के साथ भी हुआ है। के लिए आपके मन में कोई संवेदना है? क्यों नहीं है? अरे एक्शन लिखते ना, भाषण देना चाहते हैं ठीक है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पीड़िता भी लाइव जुड़ चुकी है, हालांकि पहचान नहीं बता सकते, लेकिन जो पीड़िता कह रही है वो जरा ध्यान से सुनिए। पीड़िता के मुंह से सारी दास्तां, उसके साथ क्या होता है विस्तार से आप बताइए। आवाज आ रही है आपको? क्या आप सुन पा रही हैं? विनोद जी, सवाल आप लोगों को लेकर इसलिए बार बार यहां भी उठाना लाजमी है क्योंकि अब एक पक्ष डिफेंड कर रहा है अपने आप को, वो हुकूमत की बात कर रहा है और अब चीजें डाल दे रहा है मां बाप पर, समाज पर, लेकिन एक समाज विशेष समाज की लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं। एक लड़की हमारे साथ भी मौजूद है। सवाल इस बात का है कि आखिर कब थमेगा, कैसे थमेगा, जिम्मेदारी आप लोग भी तय कीजिए। अब देखिए मैं सबसे ज्यादा आपकी डिबेट में पीड़ित पक्षकार हूं और माइनॉरिटी सेल का एक सदस्य हूं। यहां पर हिंदू सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, पीड़ित है और आक्रमण झेल रहा है और आप उसी को डिबेट में सबसे कम समय दे रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का, मैं अपनी बात को रखता हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये जो अभिशाप है, इस अभिशाप से मुक्ति के लिए हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है। निश्चित रूप से अब उसने कमान संभाल दी है। अब इन इस्लामिक जिहादियों को समझना होगा कि या तो ये अपने आप सुधर जाएं, समझ जाएं और जो पेट्रोल डॉलर जो हिंदुस्तान में लाकर के खर्च कर रहे हैं, जिस तरह से ये हिंदू लड़कियों को बहला के फुसला के जोर जबरदस्ती से उनका अस्मिता का हरण कर रहे हैं, उनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में झोंकने की और उनको जान से मारने के जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इनसे बाज आए। अन्यथा तो एक एक करके हिंदू ने अगर हथियार उठा लिए, अगर हिंदू ने अपने 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 पर आ गए और वो अगर इनके इनके खिलाफ खड़े हो गए तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जिहाद की घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। जो धर्म का वाहक नहीं हो, धर्मगुरु नहीं हो सकता, ये मुल्ला हो सकते हैं, मौलवी हो सकते हैं, काजी हो सकते हैं, लेकिन धर्मगुरु कदापि नहीं हो सकते। और दूसरी बात, ये इनका ये धर्मगुरु तब माने जाएंगे, ये धर्म की राह पर चले। आप इस्लामिक जिहादियों को संरक्षण देते हैं, लव जिहादियों को संरक्षण देते हैं, अपने बच्चों को कब्जे में नहीं रख सकते। विनोद बंसल जी, माफी के साथ रोकना चाहते हैं क्योंकि पीड़िता की बात भी आप लोग सुनिए, पूरा प्रदेश सुने, क्या हुआ उसके साथ, रुक करते हैं पीड़िता का, क्या हुआ आपके साथ विस्तार से बताइए, यहाँ दर्शकों को भी, हमारे मेहमानों को भी, आखिर किस तरीके से। मेरे साथ ये हुआ था, ये जो लड़का इसने अपना नाम सचिन शर्मा बताया, इसने मुझसे बातचीत स्टार्ट कर दी थी और कुछ टाइम बाद हम लोगों का अफेयर स्टार्ट हो गया, हम लोगों के अफेयर हो गया। डेढ़ साल बाद ये मुझे शादी का बहाना देकर और बहलाव बुलाकर नोएडा ले जी। इसने मुझे विनोद बंसल जी, हालांकि अपनी बात पूरी कीजिए।
मैं उन पीड़िता का दर्द समझ सकता हूँ। नहीं, नाम नहीं रखा जाता है, हिंदू नाम रखा जाता है, सचिन शर्मा या कुछ भी, ताकि लड़कियां राहुल जी करने से होता है। देखिए, न सिर्फ नाम रखा जाता है बल्कि चिन्ह भी लगाए जाते हैं जी। आप देखिए, माथे पर टीका होता है, हाथ में मोली होती है, और आप हिंदी की कसम खाते हैं, हिंदू की कसम खाते हैं, कई कई बार वो हवन में भी बैठ जाते हैं जी, कभी कभी मंदिर भी चले जाते हैं, पर दिखाने के लिए कई, एक नहीं कम से कम तो कई दिनों तक और महीनों तक और कभी कभी सालों तक अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं जी। लेकिन वास्तव में जब लड़की को पता चलता है तब तक उसका सब कुछ बिक चुका होता है जी, सब कुछ उसका स्वाह हो चुका है तब होता है। उस समय हिंदू लड़की के पास एक ही विकल्प होता है कि मैं किसी तरह से अपनी जान को बचाऊं जी, और किसी तरह से अपनी जिंदगी को बचाऊं, और साथ साथ जो है अपनी अस्मिता को और अपने बच्चों को, खासकर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चे को या खोप को बचाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता जी। क्योंकि उस समय न तो उसका परिवार जनरली साथ देता है, जो उनके परिजन है वो साथ नहीं देते, उधर से वो वहां पर उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तो नारकीय जीवन जीने को लड़की मजबूर हो जाती है जी। ऐसी एक नहीं असंख्य घटना है, और उन घटनाओं के संज्ञान लेते हुए मेरा कहना यह है कि विश्व प्रदेश इस बात की मांग करता है कि सरकार शीघ्र धर्मांतरण और लव जिहाद पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कानून बनाए। मनीष शुक्ला जी, कानून के लिए, और मनीष शुक्ला जी, कानून की मांग होने लगी तभी इस फरेब की कमर तोड़ सकते हैं, तभी हिंदू लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं। जो अलग मानसिकता के लोग हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनकी वजह से जो नरकी जीवन लड़कियां जी रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लव के भयावह, इसीलिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, और आवश्यकता पड़ेगी तो भी कदम जरूरी होगा सरकार उठाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार नहीं होने देगी, उनको प्रताड़ित नहीं होने देगी, उनको इस तरह की मानसिक और शारीरिक यंत्रणा को सहने के लिए नहीं छोड़ेगी। राहुल जी, मौका चाहूंगा, मौका है थोड़ा सा बस। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ भाषण देने से नहीं होता, मैं जानना चाहता हूँ कितनी गिरफ्तारियां होंगी आप तब तक, क्योंकि भाषण देने का काम तो उनके वक्त करती है, बल्कि उनके साथी डीएचपी के जो पता है कोई चैनल पे कहते उत्तर प्रदेश में घटनाएं बनी है, सरकार सो रही है। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं महिलाओं के, मैंने बता ही चुका हूँ, और हम ये लगातार देखने पड़े, यानी ये निकम्मी सरकार के निर्देश मिलते हैं और देखने डिजाइन के साथ है। आप नहीं क्या लगाएगा कि हम भी करेंगे, ताकि जो है प्रदेश के हालात भी हम सही करेंगे। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर ये फरेब लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, और पीड़ित जब सामने आती है तो असलियत खुलकर सामने आ जाती है कि आखिर उसके साथ हुआ कैसे। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से, चाहे कानपुर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि पुलिस प्रशासन और सरकार को चाहिए, और साथ ही साथ वो धर्मगुरु जो सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारा धर्म है यहाँ प्यार मजहब सिखाया जाता है, और साथ ही साथ वो फरमान जो सरकार देती है उसके राह पर चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे केसेस को देखने के बाद यही लगता है अब ये फरेब बंद होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।